दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। कोरोना काल के बाद पहली बार इस वर्ष रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया है। रविवार को लगन मैरिज हॉल में वहीदुन निशा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ट्रेनरों एवं जानकार हाजियों ने अरकान और होने वाली दिक्कतों से बचने की जानकारी दी। रीवा जिले से इस बार 30 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं। पूरे देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हज यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते भारत से हज यात्रा पर लोग नहीं जा पा रहे थे। लेकिन कोरोना के मामले कम होने के चलते अब इस पर से रोक हटा दी गई है, जिसके बाद कोरोना काल के बाद पहली बार इस वर्ष हज यात्री हज के लिए रवाना होंगे। रीवा से इस बार महिला पुरुषों को मिलाकर 30 लोग कुल हज यात्रा के लिए रवाना होंगे, जिनकी फ्लाइट जून से रवाना होना शुरू हो जाएगी। रविवार को रीवा के लगन मैरिज गार्डन में रीवा से जाने वाले हज यात्रियों को वहीदुन निशा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज पर जाने वाले लोगों को पहली ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान हज में होने वाले अरकानों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया। इसके साथ ही उन्हें ये भी बताया गया कि किस दौरान कौन से अरकान करने हैं। इसके साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से भी उन्हें उन जगहों को दिखाया गया जहां पर अरकान पूरे करने हैं, जिससे किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए। इसके साथ ही ट्रेनिंग के माध्यम से हज के दौरान किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं और उनसे किस तरह से बचाव किया जाए, इस पर भी जानकारी दी गई। वहीं इस बार में हज की यात्रा में कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया है। इस बार 65 साल से कम लोग ही हज यात्रा पर जा सकते हैं। इसके साथ ही हज पर जाने वाले लोगों के लिए कोरोना का टीका भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही टीके का सर्टिफिकेट फोटो भी साथ ले जाना पड़ेगा। हज कमेटी के द्वारा इस बार हज यात्रियों के लिए सूटकेस की व्यवस्था भी की गई है। हज यात्री जा रहे हैं, कितने हज यात्री जा रहे हैं, क्या बदलाव आया है इस बार? अभी रीवा जिले से 30 हज यात्री इस बार कोरोना काल के बाद जा रहे हैं, तो ये सही माने में इस साल जो है वो उन्होंने 70+ को भी अलाउ कर दिया था, लेकिन 15 जाने के पहले अभी सिर्फ 15 दिन पहले उन्होंने फिर वो रोक दिया। अब 65 साल 30 मई को जो 30 अप्रैल को जो 65 साल से ऊपर थे उनको मना कर दिया, वो नहीं जाएंगे। तो हमारे 51 में से करीब 23 लोग कट गए, तो अभी इस बार रीवा जिले से 30 लोग जो है जो 65 साल से कम उम्र के हैं वो हज में जा रहे हैं। किस तरह के ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या नियम है इस बार? नियम में कोई विशेष बदलाव नहीं है। ट्रेनिंग तो क्या होता है, हज के दौरान बहुत से अरकान किए जाते हैं और अरकान का करना बहुत ज़रूरी है। अगर सही अरकान नहीं हुए तो हज की कबूलियत में परेशानी आ सकती है। तो उनको कैसे जाके मक्का में क्या करना है, मदीने में क्या करना है, तवाफ़ कैसा करना है, उमरा कैसे करना है, ये सब की जानकारी। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है कि जो मेरे घर का तवाफ आप हज करने आता है उसको अरकान जो है अगर नहीं मालूम है तो उसको सीख के आना चाहिए। कुछ पाबंदियाँ तो नहीं लगाई हैं कोरोना के चलते? अभी कोई परेशानी नहीं, सिर्फ ये है पाबंदी है कि आपको कोरोना का सर्टिफिकेट जो है वो ले जाना पड़ेगा। अभी मास्क के बारे में भी कोई बात नहीं कही गई है, तो और बाकी सब करीबन हिंदुस्तान से जो 80 हज़ार लोग जा रहे हैं, पूरे दुनिया में 10 लाख लोग जो है वो हज करने जा रहे हैं।